तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली अभी पहुंच गए हैं मीरगंज बाजार। नाना कंटी जी फाइनली आ गए चूल्हा लेके। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, आप सब कैसे हैं? हम लोग उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आपको हमारे चैनल नागांती सुनील चौहान ब्लॉग में। वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और एक रिक्वेस्ट और है हमारे चैनल से, जो भी नए सब्सक्राइबर हुए जुड़ते यूट्यूब फैमिली के रूप में प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और बेल घंटी भी दबा दीजिए, कोई भी वीडियो डाले ब्लॉग डाले नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं अभी सर झज के कहाँ जा रही है नागांती जी, चलिए वो बताएंगे आपको। पहले अभी हम लोग चलते हैं बस स्टैंड पे ना जी। हाँ। तो चलिए अभी हम चलो नागांती जी, मोबाइल अपना ले लीजिए। कहाँ छोड़ दिए हैं उसको? तो वहीं पे होगा, मिल जाएगा। दोस्तों आ गए फाइनली अभी मिथुन के रूम पे। जाइए एक बार ढूंढ लीजिए कहीं मिल जाए तो, वीडियो भी अपलोड कर लेंगे नागांती जी उस। हाँ तो एक बजा ही देख लीजिए, चलिए मैं चेक करता था। और नागांती जी पहले अपना वीडियो अपलोड करेंगे फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे ना। कैसी लग रही है नागांती जी जरूर बताइएगा कमेंट में, येलो साड़ी में कितना क्यूट लग रही है जी। जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो दिखेगा ही आपको वीडियो में क्या खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि बेगर बजट ना जी। चलिए अभी नागांती जी का थोड़ा एक पर्स ढूंढ लूँ, मोबाइल वाला पर्स था जो मोबाइल रखती थी हमेशा, आने तो फिर एक खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों देख सकते अभी आ गया ढूंढने, अब पता ना मिलेगा कि नहीं। इधर देखिए अंधेरा अंधेरा हुआ है, चलिए मैं ढूंढ लेता हूँ, नहीं तो बच्चे कहीं इधर उधर फेंक दिए होंगे। नहीं मिला नागांती जी। इधर दोस्तों देख सकते हैं काजल ने लगाया है लौकी का, लौकी है कि तोड़ी है जी? कोहरा और तोड़ी का भी पता दिख रहा है इसमें, तोड़ी और कोहरा एक ही साथ लगा दी। खाने के बस में बैठ चुके हैं, कैसा लग रहा है जी? बहुत हिल रहा है, बस में बैठ चुके हैं, चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली अभी पहुंच गए हैं मीरगंज बाजार। ये जिस काम के लिए आए थे वो पहले काम करते हैं और उसके बाद नागांती जी की मम्मी भी शायद आ रही हैं, उनसे मिल लेंगे। चलिए जी, हाथ पकड़ के चढ़े नागांती जी, अपने मम्मी के पास फोन करिए जी। हाँ जाएगा मम्मी के पास जाएगा। देख सकते अभी चूल्हा करके आए थे नागांती जी, बार बार परेशान हो रही थी, अच्छा से नहीं दिया ना। तो देख सकते ये चूल्हा पसंद हुआ है। हाँ। और एक साल की गारंटी भी है, कोई भी दिक्कत मतलब एक ये वाला है और एक ये दूसरा है, मुझे ये वाला अच्छा लगा ये वाला। हाँ। और एक साल की वारंटी भी है, कोई भी दिक्कत होगा तो यहाँ सही करके देंगे ना जी। सही करके देंगे कि चेंज करके देंगे? सही करके देंगे। अच्छा सही करके देंगे, मैंने कोई चीज है ना गारंटी तो है। हाँ कोई चीज़ और गारंटी वाला भी आता है का? नहीं गारंटी नहीं है। चलिए मैंने कोई भी दिक्कत होगा तो यहाँ ले आएंगे तो ये सही कर देंगे फ्री में, खाली भाड़ा किराया हमारा लगेगा। आज जितना का सही करेगा ना उतना हम लोग किराया लगेगा, किराया लगेगा। ये खराब उसमें काचे शिकायत, ऐसे में शिकायतें नहीं आना चाहिए। यही चीज लेकर गए थे मैं अकेले, ये कछिया का चूल्हा वो भी खराब हो गया था, मैंने सही खाना खराब होगा तो मैं सोची लेके ना। ये सही है, बन जाएगा ये कौन सी का था ना, एक बन लेके गई थी वो जो हम लोग पास है ना, ये एकदम बिल्कुल पेनी में सड़ जाता है, ये वाला हाँ पुराना वाला मॉडल, ये नया मॉडल है। तो चलिए अभी नागांती जी के मम्मी आती हैं तो यहीं से वो भी लेके जाती हैं और ये भी थोड़ा कम बेस करा के ले लेंगे ना। तो चलिए इधर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ केक भी मिलता है, क्या नाम है दुकानिया का? अच्छा चलिए आज देख सकते कितना सुंदर सुंदर केक बना है। ये ऑर्डर तो बना में कहेंगे बन होगा। चलिए हमें ये चूल्हा पसंद आया है, इसी को लेकर चलेंगे।
चलिए ना गांधी जी, तक उनको कुछ खिला देता हूँ। क्या खाइएगा? मम्मी के पास फोन करिए, कब तक आ रही हैं? ये है मीरगंज बाजार दोस्तों, देख सकते हैं बीच में रोड, अब चारों बगल दुकान दुकान देख सकते हैं। नगांती जी, नगांती जी के मम्मी और उसका भाभी गैस खरीद रही हैं। मेरे को इधर हटा दिया कि महंगा ना लेते हैं, दिख रहे होंगे आपको। सब खरीद लिए बात रही है, घंटा में बुलाई था। एक साल की गारंटी है इसका, कोई भी दिक्कत होगा वो चेंज करके देंगे ना। गारंटी नहीं, वारंटी मैंने सही कर दी। चलिए अब नगांती जी, अब नहीं डरेंगे गैस चूल्हा से, दो दिन से बहुत डर जाती थी ना। ऑटो और बस में जाने की झगड़ा हो रहा है। चलिए चलते हैं। तो देख सकते कैसे बैठ भी आके सबसे अगला वाला सीट। बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, बहुत ज्यादा बस बहुत गर्म है ना। बारिश हुआ है तो मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले आँख मीच के अपना खेत देखती हूँ। तो थोड़ा मतलब आज मतलब उठी थी तो देखी खेत में थोड़ा सा मतलब पहले से अच्छा लगा। अच्छा, कल जो थोड़ा सा बारिश हुआ है। और ये गैस चूल्हा सही खरीदे कि नहीं दोस्तों, बताइए कमेंट में। पहली बार मुझे पता चला कि इतना महंगा महंगा भी गैस चूल्हा मिलता है बाबू, कितना महंगा महंगा गैस चूल्हा है। पूरा सेट 2500 का पड़ गया है। अभी तो बढ़िया, एक साल की वारंटी है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना देते हैं हम लोग, कौन कराते कराते। इसी वजह से विजय बाबू बोले आप उधर बैठ जाइए, तो आप कुछ भी बोल देंगे। मेरे को ये पसंद था, बहुत बढ़िया। मैं फर्स्ट नंबर में यही देखी, पीतल का दिया है, फस्टा रंग का वो जो ऊपर लोहा वाला है वो प्लेट दिया। इसी वजह से जब जब हम आए थे तब वही पसंद कर गए, देखे थे तभी वो निकाल के रखे थे ऐसे। फिर भी इसी में हम मांगी थी दूसरा, तो दूसरा खोल कर चेक करके देखा तो उसमें थोड़ा गड़बड़ी रहा, मतलब जल रहा थोड़ा बहुत होता है। तो फिर भी वो रखवा दी, फिर इसको जला के चेक करा के तब यहीं से सब चेक करा के पाइप वही का रेगुलेटर सारा कंप्लीट है। लाइटर भी मिला है इसमें, लाइटर कितने कह रहे थे? बोले जी 200 रुपया, चलिए आपको 200 रुपया फ्री में दे रहे हैं। लाइटर 240 रुपया का मिलता है, वो कौन सी लाइटर है, कभी खराब नहीं होगा? लाइटर है बोला 180 रुपये में ये लाइटर मिलता है। आप ऐसी हैं यूट्यूबर है तो इसी वजह से आपको फ्री में दे। यहाँ से इसका तो फायदा बहुत दुकानदार वाले उठाते हैं। यहाँ से आए हैं तो जा रही थी मम्मी के पास, वहाँ पर ऐसे ब्लॉक ब्लॉक अपना ब्लॉक चालू करके मैं जा रही थी। तब एक दो लड़की थी, मतलब बोली जी आप ब्लॉक बनाते हैं। चलिए धीरे धीरे नगांती जी को भी जान पहचान हो रहा है मीर बाजार में ना जी। तो यहाँ से हमारे मायके बहुत पास में रहे, 4-5 किलोमीटर है। जैसे मतलब मिल गए ना था तो दोनों के बीच हमारे मायके हैं। तो मैं कभी जाती हूँ थावे से
चलिए बाहर टहलते हैं। मीर भाई मम्मी के पास फोन कर, मम्मी आई है इस वजह से क्योंकि दोनों भतीजे के मैथ का तबियत खराब है, उन लोग के दोनों आदमी के दावा कराना है तो यहीं पर दावा होता है तो इसी से दावा कराने के लिए तो चली गई है दावा कराने बाप बाप के लिए। हमारे गाड़ी हमारे बाप गाड़ी आ गया है बाबू लोग के चल लेके चल गए दावा कराने। अच्छा लगता है कैमरा में कितना क्यूट लग रहा है ये शीशा वाला ये ना हाँ, छोटा वाला मैं आ रही तो आने नहीं दे रहा था बहुत आदमी गुस्सा है मम्मी से आपकी उसका मम्मी खींच के ले गए चलो दवा करा के उतना बोलता नहीं है मगर हम लोग पास बहुत अच्छा चला था। एक बार लेके गए तो वहाँ वाला घर पे रह गए थे दो दिन ना अब बिल्कुल परेशान नहीं करते। अनुज है तो वो भी थोड़ा समझदार हो गया थोड़ा बड़ा। अनुज दोस्तों इनका वो भतीजा ही है भतीजे नहीं है ना हाँ तो वो वाला दोनों ही भतीजे ही लेंगे नहीं आप सोचेंगे वो वाला अनुज दीदी के लड़का है आए भी भाभी दोनों ही भतीजे ही लेंगे अर्जू अनुज तभी गए वो लोग दवा कराएंगे मार्केट करेंगे सब्जी मतलब खरीदेंगे यहीं से खरीद के लेके जाते हैं तो मम्मी सब खरीद के लेकर चलिए चलिए हमारे घर पर ना अभी एक तो हमारे घर चावड़ा में है और दूसरे उधर बहुत हाला उला चोरी के बाप रे वो सबसे बड़ा खराब सिस्टम सबसे उठा के ले जाएगी चावड़ा में सारा सामान भी खा के ले जाए पेटी भी नहीं जो सामान कुछ नहीं मिला तो उसको बिखारो करके सब खेतों में ना खेत में पूरा ढूंढे कुछ भी नहीं मिला पेटी भी नहीं मिली काले में कुछ ही मेरे को चिमनी पे शक लगता है कहीं कहीं के लोग हैं कागज पत्र का करेगा कोई कागज पत्र हाँ मैंने कोई पकड़ा ना जाए इधर उधर कहीं जरूर छिपाए होंगे जंगल अब जो नहीं देखा उसके नहीं दिख रहा इसका मतलब कोई ना हाँ ऐसी देखना कभी सब जंगल कटेगा ना तो मिल जाए ऐसी हो सकता है ये लेकर हमारे ये लेकर तीसरा बार उनके घर में चोरी ओपन एरिया में पलानी का घर और दरवाजा किसी उन लोग में थोड़ा गलती है इस वजह से क्योंकि उन लोग का गांव में घर है तो जितना बड़े सामान था उतना उन लोग घर पर एक आदमी रहता घर पे घर पर रखना चाहिए ये पकड़ एक आदमी घर पर रहता तो सभी आदमी छोड़ सकते उधर चावड़ा में चल गए गाँव में थोड़ा दिक्कत हो रहा था गाँव में जानते पानी वानी गिरा इसी से दिक्कत अभी तो इससे ज़्यादा दिक्कत तो कुछ नहीं हुआ देखो क्या क्या सामान चलिए लगा दीजिए मोबाइल पर काजल का कॉल आ गया बस यही है। हेलो ड्राइवर साहब को बैठने दीजिए देखिए खिड़की में कैसे बैठ के और कह रही गर्मी हो रहा है बस आइए बाहर निकल आइए हो गया तो देख सकते फाइनली गाड़ी खुल चुका है क्या लगा आप लोग अगर इधर का है तो आपको पता होगा चलिए आ गए चूल्हा लेके आ चलिए अब फिट करेंगे आज फिट करेंगे कल जी सोमवार मंगलवार कल बढ़िया दिन है ना मिलेगा देखेंगे हाँ आज उसी को थोड़ा थोड़ा जैसे बनाते थे पहले हिसाब से वैसे बना लेंगे आ कल मंगलवार के दिन फिट करेंगे आ खीर बनाएंगे क्योंकि अभी दूध नहीं मिलेगा शाम को तो मिल जाना चाहिए दूध आज भी सोमवार बहुत बढ़िया दिन है शंकर भगवान के दिन है आ कल हनुमान जी का कल ही बनाएंगे आज बच्चे घर उग रहे हैं ये सब देखिए का बना रहे थे खिलावना तो चलिए दोस्तों गैस तो आ गया अब तो फिट हो जाएगा अब कोई दिक्कत नहीं होगा ना गांधी जी को अब डरेंगी नहीं डर जाती है देखो मुर्गी चिल्ला रही है चलिए दोस्तों आज की वीडियो एंड करते हैं कैसा लगा आज की ब्लॉग जरूर कमेंट द्वारा बताइएगा और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए ब्लॉग देखने के लिए दिल से धन्यवाद तब तक ले आप लोग अपना अपना ख्याल रखें हम लोग और कैसा लगा वीडियो कमेंट द्वारा बताएं हम लोग यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में।